नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चेन्नई से बच्चे का अपहरण करने वाले दो आरोपी जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की गिरफ्त में। बच्चे को सही सलामत किया चाइल्ड सेंटर के हवाले। मंगलवार को नागपुर जिले में महिला टीकाकरण अभियान, पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की संकल्पना से साकार होगा अभियान। और गणेश विसर्जन को लेकर मुंबई के वारसोवा बीच पर हादसा, 5 लड़के समंदर में डूबे, 3 अभी भी लापता। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने बच्चे के अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने बच्चे को चेन्नई से अगवा कर ट्रेन के जरिए इटारसी ले जाया जा रहा था, जिन्हें नागपुर में धर दबोचा गया। चेन्नई से 4 वर्षीय लड़के को अपहरण कर इटारसी लिए जाने की जानकारी नागपुर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस को मिली थी। इस आधार पर नागपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 02621 में कोच नंबर DL1 में जब जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने तलाशी ली, तब सीट नंबर 9 और 10 पर आरोपी एक 4 वर्षीय बच्चे के साथ उन्हें संदिग्ध अवस्था में मिले, जिनसे पूछे जाने पर समाधानकारक जवाब नहीं मिला, जिसके आधार पर जब दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया, तब 4 वर्षीय लड़के के अपहरण करने वाले आरोपी यही है ये निष्पन्न हुआ, जबकि चेन्नई से मिली जानकारी और फोटो के आधार पर अपहरण हुआ लड़का भी फोटो के आधार पर पहचान लिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बच्चे को चिल्ड्रन लाइन के हवाले करने की जानकारी दी गई है। नागपुर महानगर पालिका और शासकीय दंत महाविद्यालय के द्वारा महापौर दंत जांच शिविर का उद्घाटन हाल ही में किया गया। इस दंत शिविर का उद्घाटन स्वतंत्रता के 75वीं वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसके तहत शहर भर में 75 दंत जांच शिविर लिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत गांधीबाग जोन से की गई है। ज्ञात हो कि नागपुर शहर की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। अधिष्ठाता महाविद्यालय नागपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर धनकर जी इस कैंप को जो प्रमुखता से देखेंगे, ऐसे डॉक्टर वैभव जी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के समस्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, महानगर पालिका के जोन की सभापति श्रद्धाताई, आरोग्य समिति के सभापति भाई संजय महाजन जी, नगर सेवक संजय बालपांडे जी, महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर बेवार जी, डॉक्टर विजय जोशी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों, माताओं, बहनों, नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशिष्ट ध्यान देना, इस दृष्टि से अन्यान्य बस्तियों में अन्यान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के कैंप लेकर के नागरिकों को उसके बारे में जागृत करना, इस प्रकार की भूमिका का निर्वहन महानगर पालिका कर रही है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमारा जो अर्बन हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से जनरल हेल्थ चेकअप कैंप हम लोग 107 कर रहे हैं, जो दिसंबर माह तक 107 जनरल हेल्थ कैंप करने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया, लगातार भी शुरू है। इसी प्रकार से अंधत्व निवारण, इस दृष्टि से हम लोग कैटरिक के ऑपरेशन का भी कार्य कर रहे हैं। करीब करीब 750 से ज़्यादा पिछले सप्ताह की संख्या थी, ये ऑपरेशन महानगर पालिका के माध्यम से डॉक्टर महात्मे नेत्रपेढ़ी में हम लोग कर चुके हैं। इसमें सरकार की जो महात्मा फुले योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसके अंतर्गत ये ऑपरेशन निःशुल्क करने की व्यवस्था डॉक्टर महात्मे नेत्रपेढ़ी के माध्यम से है। वहाँ ऑपरेशन करना, लेंस लगाना, चश्मा देना सारा निःशुल्क किया जाता है। उसी प्रकार से डॉक्टर दातारकर जी अनायास एक सहयोग था कि जिस दिन डॉक्टर दातारकर जी को पदभार मिला, उस दिन मैं मेरा स्वयं का ट्रीटमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में था और
नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने ऐलान किया है कि मंगलवार 21 सितंबर को पूरे जिले में महिला टीकाकरण दिन के तौर पर अभियान चलाया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका और जिला स्तर पर सभी टीकाकरण केंद्र पर अभियान चलाए जाने की सूचना पालक मंत्री द्वारा दी गई है। 21 सितंबर को नागपुर जिले के सभी टीकाकरण केंद्र पर महिला टीकाकरण अभियान चलाए जाने की जानकारी नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला ने दी है। उन्होंने कहा कि पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा दी गई सूचना पर इस कार्यक्रम को एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। इस महिला टीकाकरण अभियान के तहत महानगर व ग्रामीण भागों में विशेष व्यवस्था की गई है, जबकि नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी ने भी शहर के टीकाकरण केंद्र को अभियान संबंधित जानकारी के दिशा निर्देश देने की जानकारी दी गई है। ज्ञात हो कि इस अभियान को महिलाओं के सुरक्षा के माध्यम से देखा जा रहा है, जिससे महिला अगर सुरक्षित रही तो पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा और समाज सुरक्षित रहेगा। जबकि 330 टीकाकरण केंद्र पर मंगलवार को इस अभियान को देखा जाएगा, जिसमें शहर में 160 तो ग्रामीण परिसर के 180 टीकाकरण केंद्र पर महिला टीकाकरण अभियान चलाए जाने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। मुंबई में रविवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यह वर्सोवा बीच पर गणेश प्रतिमा को विसर्जित करते हुए 5 बच्चे समंदर में डूब गए। घटना के दौरान बीच पर मौजूद लोगों ने 2 बच्चों को बचा लिया और उन्हें इलाज के लिए कपूर अस्पताल ले गए। वहीं 3 बच्चे लापता है। BMC के मुताबिक हादसे में लापता 3 बच्चों की तलाश जारी है। वर्सोवा में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे पर BMC का कहना है कि 3 बच्चों की तलाश के लिए लाइफ बॉय और मनीला रोप फ्लड रेस्क्यू टीम द्वारा LID लाइट के जरिए डूबने वाले स्थान पर और आसपास के क्षेत्र में फेरी बोट का प्रयोग करके बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 3 बच्चों को खोजने के लिए पुलिस बोट की भी मदद मांगी गई है। बचाव कार्य को ध्यान में रखते हुए जेट्टी की फ्लड लाइटें भी ऑन रखी गई थी। इस बार प्रशासन की तरफ से विसर्जन जुलूस की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद गणेश विसर्जन के लिए अच्छी खासी संख्या में लोग निकले। वर्सोवा बीच पर भी विसर्जन की इजाज़त नहीं दी गई थी। मुंबई के राजा कहे जाने वाले गणेश गली के गणपति बाप्पा का मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन किया गया। एक युवक ने महिला के घर में जबरदस्ती घुसकर उसकी मर्जी के खिलाफ यौन शोषण किया। इस मामले में एक लड़की ने भी युवक की मदद की। न सिर्फ संबंधित महिला से आरोपी ने यौनाचार किया, बल्कि उसके साथ आई लड़की ने भी महिला के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए। यह चौंका देने वाली घटना महाराष्ट्र के अमरावती में हुई है। अमरावती पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक 35 साल की महिला के साथ यह अत्याचार 17 सितंबर को अमरावती के गाड़गेनगर थाने के क्षेत्र में स्थित केवल कॉलोनी में हुआ। शुक्रवार की रात इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी की मदद करने वाली लड़की और आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम निखिल टिकले है और वह अर्जुन नगर नाम के इलाके का निवासी है। आरोपी की मदद करने वाली लड़की को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी लड़की की उम्र 19 साल है। पुराने विवाद की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता 35 साल की एक विवाहित महिला है। पीड़िता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक आरोपी जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसका यौन शोषण किया। प्राथमिक जांच के मुताबिक सह आरोपी भी आरोपी की पहचान की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
नागपुर शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। 9 वर्ष में पहली बार सर्वाधिक 708 मरीज मिले। भय के वातावरण के बीच मनपा की प्रयोगशाला में डेंगू की जांच किट की कमी है। इससे लगभग 3500 नमूनों की जांच लंबित होने की जानकारी सामने आई है। मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शासन की तरफ से नियमित किट उपलब्ध नहीं होने से मनपा को अब संबंधित जाँच के लिए किट खरीदनी पड़ेगी। जिन मरीजों को 3 दिन से अधिक बुखार आता है तो IgM एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए। जगह जगह जमा बारिश के पानी, घर में मच्छर के पनपने के अनुकूल परिस्थितियां डेंगू मच्छर के लार्वा के उत्पत्ति का कारण बन रहे हैं। डेंगू को नियंत्रित करने के लिए मनपा के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। जुलाई महीने से छिड़काव करने की जरूरत है, वो नहीं कर पा रहे हैं। मनमानी करने वाले और खुले प्लॉट पर पानी जमने के मामले में जब तक जुर्माना नहीं लगता तब तक डेंगू पर अंकुश लगाने में सफलता नहीं मिल पाएगी। घर घर जाकर मनपा की टीम सर्वेक्षण कर रही है, लेकिन जिस स्तर पर फॉगिंग, कीटनाशक का लगने वाली कीट सप्ताह भर से उपलब्ध नहीं है। डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस, वायरल हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया जैसी बीमारी की जांच के लिए NS एक एंटीजन टेस्ट अनिवार्य होता है, लेकिन मियो की प्रयोगशाला में इस जांच के लिए IgM एंटीबॉडी की सीमित जांच, बुखार अगर 3 दिन से अधिक रहे तो IgM एंटीबॉडी जांच की सलाह दी जाती है। इसमें मरीज के पॉजिटिव आने का पता चलता है। मनपा की प्रयोगशाला में रोजाना 2 किट लगाया जाता है। इनमें से 1 किट में लगभग 92 नमूने जांचे जाते हैं, जबकि मनपा में रोजाना 300 से अधिक नमूने जांच के लिए आते हैं। उत्तर नागपुर में विविध कार्यों की भूमि पूजन कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ, जहां उत्तर नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत की निधि से 2,68,00,000 रुपए 23,000 निधि के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। उत्तर नागपुर ब्लॉक क्रमांक 13 के अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 12 व 9 में रविवार को विविध विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत 2,68,23,000 की निधि इस विकास कार्य के लिए आवंटित की गई है। इन विकास कार्यों में दलित बस्ती सुधार योजना, उद्यान के कार्य, समाज भवन का बांधकाम, सड़क निर्माण, ग्रंथालय निर्माण आदि विकास कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए विधायक कोटे से निधि दी गई है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नागपुर शहर में हर दिन कोई ना कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहा है। बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेने के बाद भी खाता धारकों को पता नहीं चलता। इस तरह के मामलों में शिकायत के बाद भी सख्त कार्रवाई नहीं होने का ही नतीजा है कि लोग ठगी का शिकार होने के बाद भी कई बार मामला दर्ज नहीं कराते। इस बीच MIDC पुलिस ने वैभव नगर वानाडोंगरी निवासी सुरेश बुद्ध देशमुख की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। सुरेश के अकाउंट से अज्ञात आरोपी ने खाते से समय समय पर 2,00,000 रुपए उड़ा लिए। MIDC पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेश को ATM कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए उनका सारा बैंकिंग व्यवहार बेटा सूरज देशमुख ही संभालता था। पैसे की जरूरत होने के कारण सुरेश और सूरज महाजनवाड़ी परिसर में स्थित SBI के ATM में पैसे निकालने गए। काफी प्रयास करने के बाद भी खाते से रकम नहीं निकली। दोनों ने वानाडोंगरी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि खाते में केवल 780 रुपए बचे हैं। ये सुनकर सुरेश के होश उड़ गए। उन्होंने बैंक से लेन देन की स्टेटमेंट मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर से 16 सितंबर के बीच अज्ञात आरोपी ने उनके खाते से 2,00,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लिए। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। नागपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति को लेकर तिथि का ऐलान होने के साथ ही पार्टियों के साथ साथ उम्मीदवारों के बीच हलचल तेज हो गई है। इस वर्ष वोट कम होने के कारण भी चुनाव दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस अपना पैनल मैदान में उतारेगा ये तय हो गया है, लेकिन BJP को लेकर अभी तक कोई हलचल नहीं है। जानकारों ने बताया कि फॉर्म भरने की तारीख 20 से 24 तक है। जो भी होना है 20 तक होना है, इसलिए अभी से ही उत्सुक उम्मीदवार अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आड़तिया व्यापारी वर्ग में ही कम से कम 1200 वोट कम हो गए हैं, जिसके कारण चुनाव में रोचकता बढ़ने की संभावना है। 2012 में 3200 से अधिक वोटर इस वर्ग में थे, लेकिन इस बार घटकर 2100 के करीब रह गए हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिकांश मार्केट से वोटर कम हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि काफ़ी समय तक प्रशासक का शासन था, जिसके कारण लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पाया। इसका खामियाजा सभी बाजार को उठाना पड़ा है। इसी प्रकार GST आने के बाद कई व्यापारी केवल 1 लाइसेंस ही रिन्यू कराए हैं, जबकि कईयों के पास 2 से 3 लाइसेंस थे। ऐसे कई लोगों ने 2-2 लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया,
जिससे भी वोटर कम हुए हैं। 2012 के चुनाव में बीजेपी चुनाव में नहीं थी, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। कई विधायकों ने अपनी सहमति दिखाई है। चूंकि चुनाव में संपूर्ण ग्रामीण भाग का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए सहमति बनाई जा रही है कि इस बार पूरा का पूरा पैनल उतारा जाए। इसे लेकर कई नेता आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि जिस प्रकार पूर्व कार्यकारिणी ने घोटाला किया था, उसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। इसलिए बीजेपी अपना पैनल उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला उत्पीड़न कार्यस्थल समिति स्थापन हेतु 2013 को परिपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार जहां कम से कम 10 महिलाएं कार्य करती है, वहां समिति की स्थापना होना अनिवार्य है, अन्यथा 50,000 रुपए का जुर्माना संस्थापन पर लागू होगा। लेकिन अब भी कई स्कूलों सहित संस्थानों में समिति की स्थापना नहीं हुई है, इस वजह से महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित सामने नहीं आते हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि समिति की अध्यक्षता संस्थान का प्रमुख करेगा और 75% महिलाएं सदस्य रहेगी। साथ ही एक प्रतिनिधि स्वयंसेवी संस्था का होना अनिवार्य है। समिति की बैठक प्रति माह लेकर उसकी जानकारी जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी को देने का भी परिपत्रक में अनिवार्य किया गया है। इन दिनों शहर में महिला उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, जबकि अधिकांश संस्थाओं और स्कूलों में समिति का गठन नहीं किया गया है। आरटीआई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ इस मामले में महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी को ज्ञापन कर कार्यस्थल समिति गठन को अनिवार्य करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि समिति नहीं होने से महिलाएँ अपनी शिकायतें नहीं कर सकती, जबकि सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए परिपत्रक जारी किया है। स्कूल सहित विविध संस्थाओं में समिति होने से कामकाजी महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोका जा सके और उन्हें समय पर न्याय दिलाया जा सके। तो वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।